वन मंत्री विजय शाह ने अपने प्रभार वाले जिलों में प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। जिले में लोगों की समस्या की सुनवाई इस हेल्प डेस्क के माध्यम से की जाएगी। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने उनके प्रभार वाले जिलों सतना नरसिंहपुर में प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आम जनता से प्राप्त होने वाले एक एक आवेदन को कंप्यूटर में दर्ज कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी सूचना भी आवेदक को दी जाएगी। कलेक्ट्रेट में विधिवत प्रकोष्ठ बनाकर प्राप्त आवेदनों को दर्ज कर निराकरण होगा। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और CEO जिला पंचायत प्रत्येक सोमवार की TL बैठक में प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क के आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करेंगे और उसी दिन शाम को प्रभारी मंत्री को यथास्थिति की रिपोर्ट करेंगे। जिन मामलों का निराकरण जिला स्तर पर हो सकता है उनका निराकरण होगा तथा जिनका निराकरण राज्य स्तर पर शासन द्वारा किया जाना है वह मामले प्रभारी मंत्री को बढ़ाए जाएंगे। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप सस्ता, सुलभ और तत्काल न्याय गरीबों को मिले, उसे भटकना नहीं पड़े, इसी उद्देश्य को लेकर यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। CM हेल्पलाइन से हमारी न्याय को तुलना है ना, हम उसके बराबरी कर रहे हैं। मैंने तो जो देखा कि प्रभार के जिलों में कई बार जब हम लोग जाते हैं तो स्थानीय जिले लेवल की इतनी सारी समस्याएं होती हैं, हम लोग लाने के बाद बहुत सारा कहीं छूट जाते हैं, कहीं उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। और मुझे लगा कि और ज्यादा बेहतर करने के लिए ये जरूरी है कि प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क एक वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखें ताकि जितने भी आवेदन हमको जिले के दौरान मिलते हैं वो कंप्लाइन करें हमारे अधिकारी कर्मचारी। उसके बाद जो जिला लेवल के हैं उनकी साप्ताहिक मॉनिटरिंग कलेक्टर, जिला पंचायत CEO और SP मिलकर करें। कानून व्यवस्था की SP करेगा, विकास की जिला पंचायत CEO करेगा और बाकी कलेक्टर महोदय करें। जैसे TL बैठक में सारे विभाग की समीक्षा होती है, वैसे मैंने निर्देश दिए हैं कि TL बैठक में अब मेरे प्रभार के जिले में सतना और नरसिंहपुर में एक विषय और कलेक्टर को समीक्षा करना होगा, वो होगा प्रभारी मंत्री हेल्प डेस्क की आवेदन। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।